हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत बजट सेगमेंट के पेरिफेरल्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर अमेजोन पे जाके बजट सेगमेंट के पेरिफेरल्स को सर्च करते हो ना, तो हो सकता हो आपके सामने क्लो नाम की ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी आए हों। अब रिसेंटली मैं भी थोड़ा बहुत अमेजोन चला रहा था, तो मेरे सामने कुछ गेमिंग माउस आए, तो मैंने सोचा इसे खरीदा जाए और आप लोग के सामने रिव्यू किया जाए। इसका नाम है क्लॉ चफ। अगर आप इसे अमेजोन पे लेने जाते हो ना, तो भाई लिटरली आप इसे 500 रुपए का खरीद सकते हो। खास चीज ये है इस गेमिंग माउस में कि ये 500 रुपए का तो आता है, लेकिन साथ में ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है। साथ ही में यहाँ पर इनका जो है माउस मैट भी था, जो कि RGB वाला था। मैंने सोचा उसे भी मंगवा लिया जाए, साथ में उसे भी रिव्यू कर दिया जाए। और बजट पेरिफेरल से मुझे यहाँ पर एक चीज और याद आती है। अगर आप में से जो लोग बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, जिनका बजट बहुत कम है, लिटरली 20-22 हज़ार रुपए का पीसी बिल्ड करना चाहते हो ना, तो आप smcinternational.in पे जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कम से कम प्राइस रेंज में भी पीसी देखने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपए के भी पीसी देखने को मिल जाते हैं। और बेस्ट चीज ये है कि आप अपने हिसाब से पीसी पार्ट्स को चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से पार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, उसके बाद पीसी मंगवा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा और एक कूपन कोड दे दूंगा। अगर आप उस कूपन कोड को यूज़ करते हो तो आप अच्छा खासा अमाउंट भी सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत गेमिंग माउस के बारे में, फिर हम लोग थोड़ी देर में ये भी डिस्कस करेंगे इसके माउस पैड जो कि RGB वाला है उसके बारे में भी। अब अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ, तो भाई यहाँ पर जो आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यानी कि बॉक्स के अंदर आपको आपका माउस देखने को मिलता है, साथ ही में एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिलता है, नीचे ही एक डाउनलोडिंग लिंक भी है। मुझे काफी हैंडी लगा और काफी अच्छा आइडिया था। माउस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा होता है। माउस की जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो बस एवरेज है। 500 रुपए के हिसाब से अगर आप देखते हो तो भाई काफी अच्छी है। ओवरऑल जो फिनिश यहाँ पर दी गई है वो मैट फिनिश है। बाकी यहाँ पर जो आपको वायर देखने को मिलता है वो ब्रेडेड केबल है, जो कि काफ़ी लंबा है। और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी है कि USB पोर्ट जो आपको देखने को मिलता है वो गोल्ड प्लेटेड है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप इस माउस को हाथ में लेते हो ना, तो पहली चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करते हो वो है इसका वेट। पर्सनली इस माउस का जो वेट है ना, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर थोड़ा सा कम होता ना, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता। हालांकि कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़े से हैवी माउस पसंद होते हैं, लेकिन आई एम नॉट दैट वन। बाकी माउस के दोनों ही साइड पे आपको टेक्सचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी ग्रिप्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी कर देते हैं। हालांकि माउस जो है वो मैट फिनिश का है, तो ऑलरेडी आपकी जो ग्रिप देखने को मिलती है वो अच्छी रहती है। बाकी इस माउस में यहाँ पर आपको 6 प्रोग्रामेबल बटन भी देखने को मिलते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत इनकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हो तो जाकर इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी इस माउस में यहाँ पर आपको RGB देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत लाइटिंग की सुविधा देखने को मिलती है। आप बटन से चाहो तो उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो थोड़े बहुत कलर्स भी देखने को मिलते हैं। और इनकेस अगर आपको RGB लाइट पसंद नहीं है, तो आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। ये माउस जो आपको ग्रिप प्रोवाइड करने वाला है वो पाम ग्रिप है। अगर आपका हाथ नॉर्मल साइज का है तो आप इस माउस को आराम से यूज कर सकते हो। वही आप में से जिन लोगों का हाथ थोड़ा सा छोटा है, तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बात आती है इस माउस के इंटरनल की, कि भैया इस माउस के अंदर कौन से बटन यूज करे गए हैं, कौन सा सेंसर है, तो उसके बारे में वेबसाइट में किसी भी तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं है। केवल ऑप्टिकल गेमिंग सेंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं सारी चीज़ें जेनेरिक हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप 500 रुपए का गेमिंग माउस लेने जा रहे हो, तो आपको चीज़ें जेनेरिक ही मिलने वाली हैं। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि जेनेरिक सेंसर होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको काफ़ी स्टेजेस में DPI का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि मिनिमम जो DPI देखने को मिलती है वो 500 है और मैक्सिमम 6400 है। काफ़ी सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं, तो अगर आप DPI बहुत ज़्यादा आपका DPI वाला काम है, तो आप DPI को चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, इस माउस की जो DPI है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। बाकी आप में से जो लोग इसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको काफी यूजफुल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़े बहुत कस्टम DPI सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हालांकि स्लाइडर को ही आपको केवल मूव करना पड़ेगा, कस्टम आप अपनी DPI नहीं डाल सकते इसके अंदर। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको RGB से रिलेटेड भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। और भाई आप में से जो लोग थोड़ा बहुत कस्टमाइजेबल बटन्स का यूज़ करना चाहते हो या मैक्रोस चलाना चाहते हो ना, तो मैक्रोस का भी फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि मैं मानता हूँ आप में से थोड़े से एडवांस यूज़र हैं, जो थोड़े से एडवांस गेमर्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वहीं यहाँ पर अब थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं इसके माउस पैड के बारे में, जो कि आता है क्लॉ की तरफ से स्लाइड। इस माउस पैड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपको 999 का मिल जाता है, यानी कि अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है इस माउस पैड में कि भाई ये आपको ना RGB सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। यानी कि साइड में यहाँ पर आपको छोटा सा जो है एक
कंट्रोलर देखने को मिलता है और अगल बगल आपको जो है स्ट्रिप देखने को मिलती है। साथ ही में बॉक्स में आपको माइक्रो यूएसबी केबल भी देखने को मिल जाती है। साथ में जब आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर देते हो तो यहाँ पर आपको दो बटन्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि हेल्प से आप लाइट को ऑन ऑफ या चेंज भी कर सकते हो। इस माउस पैड के अंदर आपको ढेर सारे कलर्स और ढेर सारे लाइटिंग मोड देखने को मिलते हैं, तो अगर आप एक पर्टिकुलर कलर थीम क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी क्वालिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई क्वालिटी इस माउस पैड की काफ़ी अच्छी है। लाइटिंग जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो सफिशिएंट होती है, यानी कि डे टाइम पे भी आप आराम से देख सकते हो। वही अगर आप थोड़ा सा डार्क रूम में यूज़ करने वाले हो तो भाई काफ़ी ब्राइट लाइट देखने को मिलेगी। स्टिचिंग जो यहाँ पर करी गई है वो भी काफ़ी क्लीन है, अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाले हो आप आराम से कर सकते हो। हालांकि फर्स्ट टर्म जब यहाँ पर आप इस माउस पैड को यूज़ करने बैठते हो ना तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत बम्प्स रहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तक जब आप इसे यूज़ करोगे ना तो बम्प्स भी चले जाएंगे। नाउ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में इस माउस पैड को, और माउस को मैंने खुद पर्सनली यूज़ कराया है 2-3 दिन, तो मैंने सोचा चलो यार अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया जाए और आप लोग को बताया जाए ये पेरिफेरल्स क्या अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, और आपको इन्हें लेना चाहिए या नहीं। देखो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, माउस के साथ जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो अच्छा होता है, यानी कि 500 रुपये जो आप पे कर रहे हो ना उस लिहाज से आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बटन्स का जो फीडबैक होता है वो अच्छा होता है, हैंड ग्रिप जो आपको देखने को मिलती है वो भी अच्छी होती है। तो अब यहाँ पर अगर आप कैजुअली थोड़ा बहुत GTA 5 खेलना चाहते हो या माउस को कैजुअली यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पर एक RGB माउस ढूंढ रहे हो, तो अगर आप उस वजह से लेते हो ना तो भाई बहुत अच्छा ये माउस है, उसमें फिर कोई कंप्लेंट नहीं होने वाली। भाई अगर आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो के इस माउस को यूज़ करने वाले हो, CSGO या वैलोरेंट जैसा गेम खेलने वाले हो जहाँ पर आप फ्लिक शॉट मारते हो, तो भाई ये माउस फिर नहीं टिकने वाला। यानी कि हर चीप माउस की तरह इस माउस में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि लोअर सेंसिटिविटी पे ये माउस ट्रैक करना बंद कर देता है जब आप फ्लिक शॉट मारते हो तो। हालांकि अगर आप 800 DPI पे खेलते हो तो आप खेल सकते हो, लेकिन इसकी DPI कितनी एक्यूरेट है ये मुझे नहीं मालूम, तो माउस पर जो DPI लिखी रहती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। भाई दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा कैजुअली गेम खेलना चाहते हो जैसे कि GTA 5 हो गया, या कैजुअली यूज़ करना चाहते हो इस माउस को, आप आराम से कर सकते हो, तब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं 500 रुपये के हिसाब से माउस आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। वेल तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।